दोस्तों 2 सितंबर को हुआ मैच हुआ कैंसिल, बारिश के वजह से ही हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला रद्द, हो भी सकता है 20 ओवर का। तो क्या है कुछ खबर की जानकारी बताएंगे दोस्तों आप किसी वीडियो में। उससे पहले आप भी कौन सा टीम का फैन जरूर कमेंट में बताइए, आप भी जो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूँ, पने किले में यहाँ पर नेपाल का स्टेडियम में पहला जो मुकाबला खेला जाएगा, यहाँ पर बता दूँ 30 अगस्त का पहला नुजमनी खेला जाएगा। उसके बाद जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो यहाँ पर 2 सितंबर को पहला मुकाबला खेला जाएगा, जो दोपहर का 3 बजे से खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका जानकारी के लिए बता दूँ, ये मुकाबला तो शुरू हो रहा है लेकिन अभी फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा दुखद खबर आ गया। ये दोस्तों आपका जानकारी के लिए बता दूँ, जो अभी वेदर रिपोर्ट से पता चल रहा है जो 2 सितंबर को 80% से भी ज़्यादा बारिश होने का चांस है, जिस वजह से अभी फैंस का दिल में एक डर पैदा हो चुका है जो कैसे इस मैच को हो पाएगा पूरी। लेकिन दोस्तों आपका जानकारी के लिए बता दूँ, 10 सितंबर को 80% बारिश होने का चांस है, बारिश हुआ तो इस मुकाबला को रद्द तो नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों क्योंकि ODI मुकाबला, ODI वर्ल्ड कप है, वनडे वर्ल्ड कप, ये रद्द नहीं हो सकता, इसको करीब 20 ओवर किया जा सकता है। तो अभी समय बताएगा क्या होने वाला है, क्या बारिश होगा आगे समय बताएगा। तो दोस्तों इसको लेके आप लोग का क्या राय है, अपना कीमती राय जरूर बताइए। बारिश हुआ तो क्या रद्द कर देना चाहिए मुकाबला या 20 ओवर का करना चाहिए, अपना कीमती राय जरूर बताएं। आगे खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद वो मूल्य समय देने के लिए।